बिल लाने का प्रयास किया। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा। 2017 में अडानी ने 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन दी हरियाणा सरकार को। मैं फिर दोहराता हूं, भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने का एक प्रार्थना पत्र 100 एकड़ जमीन का 2017 में अडानी की कंपनी देती है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को। 2.5 साल तक उस एप्लीकेशन पे कुछ नहीं होता और मई 2020 के अंदर जैसे ही उस एप्लीकेशन को मंजूरी मिलती है, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी भूमि के उपयोग के परिवर्तन को मंजूरी मिल जाती है, लैंड यूज चेंज हो जाता है, 1 महीने के बाद देश की संसद में ये काला कानून किसानों के लिए पास होता है। तो मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने ये कानून किसानों के हित के लिए बनाया या अडानी के हित के लिए बनाया, क्योंकि ये तो साफ है कि मई 2020 में अडानी को 100 एकड़ जमीन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में मिलती है और असीमित भंडारण का कानून जून 2020 में अध्यादेश के जरिए बगैर पार्लियामेंट में बहस कराए चुपके से पास कर दिया जाता है, उस समय जब देश में कोरोना की महामारी थी, लॉकडाउन था। तो आज इस सरकार को यह बताना चाहिए कि ये करोड़ों किसानों के लिए नहीं, बल्कि जिसकी गुलाम ये सरकार है, अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार ने, उनके लिए ये कानून पास किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं। मैंने आपको बताया 21 जिलों में हमारे भारत बंद के दौरान यूपी में खाली गिरफ्तारी हुई, कहीं कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया, कहीं भी जा रहे हैं लोग उनको उनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि मोदी सरकार का असली चेहरा इसमें बेनकाब हो। वो क्या कहते हैं, कहते साहब मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए उनको MSP मिलेगी। अरे भाई, आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, आज तक मिला क्या? 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक आए क्या? GST से देश में दूसरी आजादी आ जाएगी, आई क्या दूसरी आजादी? आपने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, नहीं हुआ कुछ। अब आप कह रहे हैं हम भाषण दे रहे हैं, आप मान लीजिए। आप ही की सरकार ने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, इसका मतलब होता है C2+50%, यानी किसान की उपज का लागत मूल्य प्लस उसके ऊपर 50% मुनाफा। वो फार्मूले से आज तक आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, तो किसान आपकी बात कैसे मान ले, कैसे आपके ऊपर विश्वास कर ले? तो इसलिए किसानों को हमेशा इस सरकार ने 6 सालों में छला है, अब मौका उनके पास भी है, वो सड़क पर इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं और अपना हक भी मांग रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहा ही नहीं। खराब तो होता है कि जिसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो। मुख्यमंत्री जी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना चेहरा चमका रहे हैं मिशन शक्ति के नाम पे, और इसी प्रदेश में कानपुर के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसके कलेजा खा लिया जाता है। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है गोरखपुर के अंदर। मजदूरों की बेटियों के साथ बंदूक के नोक पे पूरे रात गोरखपुर में बलात्कार हो रहा है। तो जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है, हाथरस कांड यहां पर हुआ, प्रदेश के अंदर बच्चियों की तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां पे लोग हताश होकर, छात्राएं युवतियां जहर खा के अपनी जान दे रही, अपने आप को जला के अपनी जान दे रही, उनको न्याय की उम्मीद खत्म हो गई इस सरकार से। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज अब यूपी में बची नहीं है। और आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे, उन्होंने गुंडों का राज स्थापित कर दिया और ये साबित हो गया कि ये चिन्मयानंद की समर्थक पार्टी है, ये इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने वाली पार्टी है।